क्वेश्चन है कि ये एक स्क्वायर है एलएल साइड का, हमने हर साइड पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, इस वाले साइड पे सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, इस वाले साइड पे सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, इस वाले साइड पे सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, इस वाले साइड पे सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है इस स्क्वायर के, राइट। पूछा है कि जो बीच में बन रहा है बच्चे साड़ी का किनारा, जो बचपन में तुम बनाया करते थे, जिसमें मैं कई बार फेल हुआ हूँ, इसका एरिया कितना होगा, राइट। इसका एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया पूछा है कितना होगा, वेरी सिंपल। आप समझिए, ऐसे प्रॉब्लम जब आए, खूब सारे शेडेड प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसे में आप नाम दे दिया करिए, हमेशा नाम दे दीजिए। लो भैया ये हो गया एरिया ए, ये हो गया एरिया बी, ये हो गया एरिया सी, बड़ा बड़ा बी लिखो, बड़ा बड़ा सी लिखो, बड़ा बड़ा डी लिखो, बड़ा बड़ा ई लिखो, बड़ा बड़ा एफ लिखो, बड़ा बड़ा जी लिखो, बड़ा बड़ा एच लिखो। पॉइंट्स नहीं है ये, एरिया है, ठीक है। चलो तुमको कौन सी एरिया निकालनी है, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, ये निकालना है, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, तुम चारों सेमी सर्कल को जोड़ो, ये सेमी सर्कल, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, चार सेमी सर्कल जोड़ोगे, चार सेमी सर्कल जोड़ोगे तो क्या क्या आ जाएगा, देखो। इस वाले सेमी सर्कल में कौन कौन आया, एच जी एफ, तो लिखो एच जी एफ। इस वाले सेमी सर्कल में कौन कौन आ गया, बी ए एच, बी ए एच। इस वाले सेमी सर्कल में कौन कौन आ गया, बी सी डी, बी सी डी। और इस वाले सेमी सर्कल में कौन कौन आ गया, डी ई एफ, डी ई एफ। ये हमारा हो गया चार सेमी सर्कल। जो हमारे चार सेमी सर्कल हैं, अगर मैं चारों के एरिया को जोड़ू तो ये सारे एरिया मिलेंगे। अगर मैं इसमें से चारों सेमी सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया घटा दूं, स्क्वायर के एरिया घटा दूं, हमें चाहिए क्या, बी डी एफ एच, हमें चाहिए बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, ये हमको चाहिए। देखते हैं मिलता है क्या, ये चारों एरिया मिलता है क्या। इस चारों सेमी सर्कल के एरिया ये हो गई, ये पार्ट हो गए माइनस। ये मत समझिएगा कि ये पॉइंट है जोड़ रहे हैं, पॉइंट नहीं है, सब एरिया है, एच जी एफ, ये सब एरिया है भैया, जोड़ मत दीजिएगा कि पॉइंट है और लगिएगा निकालने। स्क्वायर, इसमें से चारों सेमी सर्कल में से स्क्वायर घटाओ, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कौन कौन एरिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सब मिला के जो बन रहा वो स्क्वायर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब एरिया मिला लो। तो देखो इसमें से इसको घटाओगे तो ये ए वाला खा गया, इसको ये बी वाला खा गया, इसको ये सी वाला खा गया, सी को ये डी वाला खा गया, डी को ये ई वाला खा गया, ई को एफ वाला खा गया, एफ को जी वाला खा गया, जी को एच वाला खा गया, एच को बचा कौन, एच एफ बी डी, एच एफ बी डी। मतलब चारों पंखुड़ी जो है, इसको लीफ बोलते हैं, लीफ प्रॉब्लम, ये लीफ जो है, इस लीफ के एरिया कैसे निकालोगे, सिंपल, चारों सेमी सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया घटा दो, राइट। तो भैया चारों सेमी सर्कल की एरिया कैसे आएगी, इसका सेंटर कितना हो गया, एल बाई टू रेडियस हो गया इसका, तो इसका एरिया कितना हो गया, तो चार सेमी सर्कल मतलब क्या, दो सर्कल, दो सर्कल, और सर्कल का रेडियस कितना है, एल बाई टू, तो एक दो सर्कल का रेडियस, दो सर्कल घटाना है, माइनस स्क्वायर घटाना है, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। और सर्कल का रेडियस कितना है, एल बाई टू, तो इसका कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, उसमें दो से मल्टीप्लाई करो, माइनस स्क्वायर की एरिया कितनी हो गई, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा कितना, पाई एल स्क्वायर बाई टू माइनस एल स्क्वायर, यहां से एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस वन, ये आ गया आपका एरिया, आंसर ये आएगा। अब एक चीज ये देखना है, इसी प्रॉब्लम को मैं बिल्कुल आसानी से तुम्हें बता सकता हूं, कुछ और थोड़ा सा इसको समझो।